और आज देवरिया दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। मेडिकल कॉलेज की तैयारियों को देखने के लिए जाएंगे। तो देवरिया दौरा है मुख्यमंत्री का, और दौरे से पहले अफसरों ने निरीक्षण किया है। 30 जुलाई को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं मेडिकल कॉलेज का, तो उससे पहले मुख्यमंत्री देवरिया दौरे पर आज रहेंगे। और मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन है उसमें सिद्धार्थनगर भी है, तो कल सिद्धार्थनगर भी सीएम जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने खेल कोटा को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सीएम ने कहा है कि सभी विभागों में खेल कोटा तत्काल बहाल किया जाए, साथ ही तुरंत नियुक्तियां किए जाने का भी निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इसको लेकर जल्द से जल्द विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उसे प्रस्तुत किया जाए। तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, सभी विभागों में तुरंत बहाल हो खेल कोटा, तुरंत नियुक्तियों का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने। जल्द से जल्द विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में संसद भवन के अंदर स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनकी यूपी में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चा हुई। वहीं दोनों नेताओं के साथ स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य के भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा की, और इसके बाद वो संसद भवन से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वतंत्र देव सिंह की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। और चलिए इन सब के बीच अवध की खबरों का रुख करते हैं। सुपरफास्टर, चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर संत समाज ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने बसपा पर निशाना साधा, तो तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि ब्राह्मण समाज इनके झांसे में नहीं आएगा। लखनऊ के मलियाबाद में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां पर कुछ दबंगों ने एक पक्ष पर जमकर लाठियां बरसाई। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। कानपुर में अवैध इमारतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। प्राधिकरण का प्रवर्तन दल अवैध इमारतों की लिस्ट बना रहा है। जल्द ही 260 इमारतों को ढहाने की तैयारी है। रायबरेली में घर के बाहर सो रही मासूम का संदिग्ध हालत में शव मिले, सरकम मच गया। गांव के बाहर शव मिलने के पीछे जमीन के लालच में हत्या की आशंका है। उन्नाव में युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गांव के ही दबंग पर आरोप है कि घर में युवती के साथ छेड़खानी की गई, जिसका विरोध करने पर उसे छत से फेंक दिया। अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है।